हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं मेनोपॉज के समानांतर पुरुषों में होने वाली एक बीमारी एंड्रोपॉज के बारे में। जिस तरह से मेनोपॉज महिलाओं में रिप्रोडक्टिव पीरियड की समाप्ति की सूचक है, उसी तरह से कुछ पुरुषों में एंड्रोपॉज होता है। एंड्रोपॉज एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है, ये एक तरह की बीमारी है जो करीब 30% पुरुषों को होता है। ये ज्यादातर उन पुरुषों को होता है जो बचपन से ही सेक्सुअली अब्यूज किए हैं, उनकी सेक्सुअली लाइफ बहुत ज्यादा एक्टिव रही है, तो उनमें ये एंड्रोपॉज के सिम्टम जल्दी प्रकट होने लगते हैं। दोस्तों, मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, वो सभी महिलाओं में होता है जो 40-50 वर्ष की उम्र के बीच की हैं, लेकिन एंड्रोपॉज एक बीमारी है और इसके इलाज कराने की आवश्यकता होती है। इसे ADAM भी कहा जाता है, यानी एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजेड मेल्स। पुरुषों के जीवन में 11-12 वर्ष की उम्र में उनके जो मेल हार्मोन हैं एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन सक्रिय हो जाते हैं। ये उनके टेस्टिस से रिलीज होकर के उनके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप करते हैं। करीब 30 वर्ष की उम्र में जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ये पीक पर होते हैं, लेकिन 30 वर्ष के बाद में ये हर साल 1% घटने लगते हैं। सामान्य तौर पर पुरुषों में सारे जीवन सारी उम्र टेस्टोस्टेरोन बनते रहते हैं, पर कुछ लोगों में 50-60 वर्ष की उम्र में ये टेस्टोस्टेरोन बनना काफ़ी कम हो जाते हैं, मतलब ये जो लेवल है ये उनके खून में काफ़ी कम हो जाता है और उससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एंड्रोपॉज को टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी या एंड्रोजन डिफिशियंसी या हाइपोगोनाडिज्म भी कहा जाता है। दोस्तों, पुरुषों में ये जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, ये उनके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप के साथ साथ उनके कई अन्य लक्षण भी प्रकट करता है, जैसे उनकी लाउड वॉइस गरजती आवाज़ के लिए या उनकी एरोगेंसी के लिए, स्ट्रांग बोन स्ट्रक्चर के लिए या स्ट्रांग मसल मास के लिए भी जिम्मेदार होता है। लेकिन जब ये मेल हार्मोन घटने लगता है तब ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। चेहरे और शरीर पर जो बालों का पैटर्न है, हेयर पैटर्न है, वो डेवलप होने लगता है। इसके लिए भी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही जिम्मेदार है, लेकिन 50-55 साल की उम्र के बाद में कुछ लोगों में ये हार्मोन घटने लगता है और जो इस समय कुछ भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन आते हैं उनके बारे में जरा बात करते हैं। इन्हें पहला लक्षण तो यही आता है कि इनकी लो सेक्स ड्राइव हो जाती है, यानी सेक्स में उनकी डिजायर बहुत रहती है लेकिन उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती परफॉर्म करने की, यानी उन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत रहती है। और यदि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कुछ सुधार हुआ भी तो उन्हें प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की दिक्कत रहती है। एंड्रोपॉज की अवस्था में बिना कारण निराशा महसूस हो सकती है, सैडनेस महसूस हो सकती है, डिप्रेशन महसूस हो सकता है या अकेलापन महसूस हो सकता है, मांसपेशियों में ढीलापन महसूस हो सकता है यानी पहले जैसी कसावट नहीं रहेगी, हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं यानी आप उनको गर्मी ज़्यादा लगेगी, चेहरे पर, गर्दन पर और सिर में ज़्यादा गर्म महसूस हो सकता है, गर्मी ना होते हुए भी रात को पसीना आता रहे, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में जो बोन डेंसिटी है वो कम होने लगती है और उनको टूटने का खतरा बढ़ जाता है। यह भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ही हो रहा है। इसमें सीने में सूजन हो सकती है या निपल को छूने से दर्द महसूस हो सकता है, खुजली महसूस हो सकती है, टेंडरनेस महसूस, ऐसे लोगों में पीठ में दर्द महसूस हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि सांस और दिल से संबंधित बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, इंसोमिया की स्थिति हो सकती है यानी ठीक से नींद नहीं आएगी, तमाम तरह की चिंताएं घेर लेती हैं और उन्हें नींद टूट टूट करके आती है, मेमोरी लॉस की स्थिति हो सकती है यानी उनकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रहती, बैल्डनेस और हेयरफॉल हो सकता है यानी उनके बाल ज़्यादा टूटने लगेंगे इस हार्मोन की कमी के कारण, और बैल्डनेस की स्थिति भी आ सकती है यानी गंजापन की स्थिति भी आ सकती है, बिना किसी कारण के थकान महसूस होती रहेगी यानी कोई काम नहीं किए हैं फिर भी थके थके ही रहेंगे, सवेरे सोकर के उठेंगे तब भी उन्हें थकान ही महसूस होती रहेगी, निपल में सूजन और दबाने से दर्द महसूस हो सकता है, ऐसे लोगों में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफ़ी कमी महसूस हो सकती है, इसमें डिक्रीज मेंटल कंसंट्रेशन हो सकता है यानी जो लोग दिमागी काम करते हैं उन्हें कंसंट्रेशन वाले काम करने में दिक्कत महसूस हो सकती है, इंक्रीज बॉडी फैट यानी उनके पेट और पेट के आसपास फैट जमा होने लगता है, किसी किसी को गायनेकोमेस्टिया की दिक्कत हो सकती है यानी उनके जो सीने हैं वे महिलाओं की तरह थोड़ा बढ़ जाते हैं, उनमें फैट जमा होने लगता है, इसी तरह गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। यदि आपने गायनेकोमेस्टिया के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको गायनेकोमेस्टिया के लक्षण, उनके कारण और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। जब ऐसे आती है तब उनके टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है यानी टेस्टिकल का साइज छोटा महसूस हो सकता है और टेस्टिकल ठंडे महसूस होते रहेंगे, इसमें जोश में कमी महसूस हो सकती है यानी पहले जैसी जो विगर है वो नहीं रहता। कोई जरूर नहीं है कि ऐसे पुरुषों में ये सारे लक्षण प्रकट हो ही, पर इनमें से काफ़ी लक्षण उनमें आए हैं। शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं, इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। तो पहला इसमें उपाय यही है कि नियमित व्यायाम करें, रोज़ करीब 40 मिनट की जो वॉकिंग है वो जरूर करें और घर पर आकर के फिर योगा और प्राणायाम जरूर करें। इसमें सोया प्रोडक्ट जो है, सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें ये आपको नहीं खानी है, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल घटाती हैं, ये एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाती हैं पर टेस्टोस्टेरोन लेवल घटाती हैं, तो सोया और सोयाबीन से बनी हुई चीज़ें इसमें नहीं खानी है,
परहेज करना है, अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं तो उससे बचना होगा। तो पानी पिए, सोशलाइज रहें और निगेटिव लोगों से दूर रहें। अपने खाने में गाढ़े रंग के फल और सब्जियों को इस्तेमाल करें, यानी जिनका रंग काफ़ी गाढ़ा होता है वे सभी फल और सब्जियों को इस्तेमाल करें। इनमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको इस हिस्से से बचाने में काफ़ी मददगार साबित हो। इसमें दोस्तों इलाज के बारे में बात करते हैं, तो इलाज सबसे बेहतर तो यही होगा कि जो आपके घर के आसपास में नज़दीक में होम्योपैथी डॉक्टर साहब हैं उनसे आप मिलें, वे आपको इसकी सुटेबल दवाइयाँ बताएंगे। हम अपने यहाँ जो इस बीमारी में लोग आते हैं उनको जो दवाइयाँ देते हैं उनमें उन्हें काफ़ी आराम होता है, उन दवाइयों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दवाइयाँ इनके अलावा बहुत सारी हैं पर हम जो अपने यहाँ देते हैं आमतौर पर उन दवाइयों के बारे में बात करते हैं। तो सर पहली दवाई हम जो देते हैं वो है कैलेडियम 30, यानी कैलेडियम 30 की 4 बूंद या 4 गोलियां दिन में 3 बार लें। इसमें दूसरी दवाई जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए है वो है सेलेनियम 30। सेलेनियम भी बहुत कारगर है, सेलेनियम 30 की 4-4 बूंद दवाई या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लें। इसमें तीसरी दवाई देते हैं टेस्टिस सिकाटी, यह एक पेटेंट है और गोलियों में आता है, इसकी 2-2 गोलियां दिन में 3 बार लेनी। इसके अलावा हम मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन देते हैं, उसमें पहली मदर टिंचर होती है एग्नस कास्टस मदर टिंचर, दूसरी मदर टिंचर होती है सबल सेरुलेटा मदर टिंचर और तीसरी मदर टिंचर होती है एसिड फास मदर टिंचर। अधिक पानी में इन तीनों मदर टिंचर्स की 10-10 बूंद डाल करके दिन में 3 बार लेना है। ये दवाइयाँ लगातार लेते रहें, आपको इस हिस्से से बचाव हो जाएगा और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ये घटने नहीं पाएगा, आप पहले की तरह अपने को जवान महसूस करते रहेंगे। तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो एंड्रोपॉज के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।